दोस्तों आज खेला गया यूपी वॉरियर्स वर्सेस गुजरात जायंट्स के बीच में WPL का तीसरा मुकाबला। ये तीसरा मुकाबला बेहद ही रोमांचक मुकाबला रहा। तीसरा मुकाबला बेहद रोमांचक तब हो जाता है जब यूपी वॉरियर्स को 6 गेंदों में 20 रन चाहिए थे, यानी कि यूपी वॉरियर्स के पास 6 गेंदे थी और बनाने के लिए रन जो थे वो थे 20। दोस्तों जिसके बाद आगे कुछ ऐसा होता है जो सभी को काफी ज्यादा हैरान कर देता है। किसी को भी इस चीज का अंदाजा नहीं था कि इस मैच में ये भी हो सकता है। अगर दोस्तों आप भी जानना चाहते हैं और देखना चाहते हैं इस लास्ट ओवर का पूरा रोमांच, तो आप वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों आपका एक लाइक WPL को और भी रोमांचक बना सकता है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपके लाइक और सब्सक्राइब से ही हमें मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए दोस्तों हम आपको विस्तार से बताते हैं और उस मैच की पूरी हाईलाइट भी दिखाते हैं। दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता होगा कि इन दोनों WPL खेला जा रहा है, तो अगर WPL बोले तो वुमेन्स प्रीमियर लीग, और आज इस वुमेन्स प्रीमियर लीग का तीसरा मुकाबला हुआ। ये वुमेन्स प्रीमियर लीग का तीसरा मुकाबला बेहद ही रोमांचक मुकाबला रहा। इस मैच में इतने अप्स एंड डाउन्स हैं जो सभी को काफी ज्यादा हैरान कर दिए। जो मुकाबला था ये यूपी वॉरियर्स और गुजरात जायंट्स के बीच में खेला गया। इस मैच का टॉस जीता गुजरात जायंट्स ने और पहले बैटिंग करने का निर्णय लिया। बैटिंग करने आए गुजरात जायंट्स की टीम ने पूरे 20 ओवर में 179 रन बनाए। शुरुआत में गुजरात जायंट्स की टीम काफी स्लो खेली, लेकिन लास्ट में तेज खेलकर स्कोर को काफी बड़ा बना लिया। दोस्तों फिर इसके बाद यूपी वॉरियर्स की टीम इस स्कोर को चेज करने आती है। यूपी की टीम के भी शुरुआत में हालत काफी ज्यादा खराब रहती है, लेकिन बाद में वो भी अपनी पारी को तेजी से बढ़ाते हैं और स्कोर को काफी अच्छे से बूस्ट करते हैं। इसके बाद फिर यूपी वॉरियर्स को एक ओवर में 20 रन चाहिए थे, यानी कि यूपी वॉरियर्स के पास गेंद थी 6 और रन बनाने थे 20। मैदान पर जो खिलाड़ी थी वो थी दीप्ति शर्मा। हालांकि दोस्तों ये मैच बेहद रोमांचक हुआ। पहली गेंद तो दीप्ति शर्मा झेल गयी, वही दूसरी ही गेंद पर दीप्ति शर्मा चौका जड़ देती है। इसके बाद यूपी वॉरियर्स को 4 गेंदों में 16 रन चाहिए थे और फिर दीप्ति शर्मा तीसरी गेंद पर 6 रन मार देती है। इसके बाद मैच अब और भी रोमांचक हो गया और दोस्तों अगली 2 गेंदों पर फिर से दीप्ति शर्मा बैक टू बैक चौके मारती हैं, जिसके बाद फिर यूपी वॉरियर्स को एक गेंद पर 2 रन चाहिए थे। दोस्तों लास्ट गेंद पर अनफॉर्चुनेटली दीप्ति शर्मा कैच आउट हो जाती हैं और यूपी वॉरियर्स की टीम ये मैच 1 रनों से हार जाती है। बहरहाल दोस्तों ये जो हमने आपको बताया ये एक हमारी कल्पना है। दोस्तों आपको इस मैच के बारे में क्या कहना है हमें कॉमेंट में जरूर बताइएगा।